हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज का वीडियो होने वाला है उत्तराखंड के फेमस फूड के बारे में लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट तो शुरुआत क्यों ना मीठे से की जाए तो हम बात कर रहे हैं अरसा की तो अरसा को हम स्वीट की कैटेगरी में ही डालते हैं ये तब बनता है जब उत्तराखंड में किसी की शादी होती है तो जब लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को मिठाइया जाती है जिसको उत्तराखंड के लैंग्वेज में कलेयो कहते हैं तो कलियों में अरसा लड़के वालों को जाता है तो अरसा उत्तराखंड की हर शादी में बनता ही बनता है ये चावल के आटे और गुड़ के पानी को मिक्स करके बनता है इसमें फ्लेवर के लिए सौंफ भी डाली जाती है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है इसको लोग बहुत ही स्वाद से चाय के साथ खाते हैं लेकिन इसको जरूरत से ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए तो है भांगी भांग भी नहीं है। भांगी को वहां की के साथ में खाया जाता है और जब वहां पे नींबू और संतरे माल्टा की चाट बनती है तो उसमें भी भांग की चटनी को मिला के बड़े ही शौक से खाया जाता है तो भांग की चटनी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है इसमें भुने हुए भांग के साथ नमक हरी मिर्च पुदीना धनिया लहसुन को मिक्स करके मिक्सी या फिर सिलबट्टे में अच्छी तरीके से पीस लिया जाता है भांग की चटनी की खासियत इसका फ़्लेवर और इसकी खुशबू है इसकी खुशबू इतनी ही अच्छी होती है कि ये सामने वाले को ललचाने के लिए काफी है तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाड़ू और चैसु की ये अलग अलग डिश है लेकिन इन्हें मैंने एक ही कैटेगरी में रखा है क्योंकि फाणु और चैसु में अंतर सिर्फ इस बात का है कि जो फाणु है वो गैद या फिर चने की दाल को पीस कर बनता है और जो चैसु है वो उड़द की दाल को पीस कर बनता है इसकी खासियत ये है कि इसमें दाल का ओरिजिनल फ्लेवर बना रहता है उत्तराखंड में लोग इसे बाड़ी या फिर चावल के साथ खाते हैं नेक्स्ट डिश है बाड़ी बाड़ी भी उत्तराखंड की एक फेमस डिश है जिसे लोग फाणू चैसू या फिर साग के साथ खाते हैं ये चूने के आटे की बनती है चूने के आटे को मंडवे का आटा या फिर क्वादू का आटा भी कहा जाता है बाड़ी एक तरीके से फीके हलवे की तरह बनती है और ये बहुत हेल्दी भी होती है तो नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ उत्तराखंड के बहुत ही ज्यादा फेमस फूड के बारे में जो कि है आलू और मूली की खिचौनी थींचने का मतलब होता है कूटना तो इन दोनों की रेसिपी एक ही होती है जब आलू या फिर मूली को सिलबट्टे में कूट के इनका साग बनाया जाता है तो उसे कहते हैं आलू की खिचौनी आलू और मूली की खिचौनी की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है उत्तराखंड में ये अक्सर लोगों के घर में बनती है बहुत सारे लोग इसमें भांग का तड़का भी मारते हैं भांग के तड़के से इसमें एक अलग ही फ्लेवर आता है और ये इसके स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है तो अगर आप किसी भी अपने उत्तराखंडी फ्रेंड के यहाँ जाएँ तो आप उनसे आलू या मूली की खिचौड़ी की फरमाइश कर सकते हैं नेक्स्ट बात करने वाली हूँ झुँगराल की झुँगराल का भात बनाकर भी खाया जाता है और जब झुंगराल में दूध डालकर बनाया जाता है तो झुगराल की खीर हो जाती है और जब झुंगराल में छाछ डालकर बनाया जाता है तो इसे पले या छचिंडू भी कहते हैं पले या छचिंडू नमकीन भी बनता है और इसमें मीठा भी डाला जाता है और आप इसको फीका भी खा सकते हैं नेक्स्ट जो डिश है वो डराने के काम भी आती है और खाने के काम भी आती है तो उत्तराखंड में जब भी कोई बच्चा शरारत करता है या फिर अः उसको चुप करके बैठाना होता है तो उसे कंडाली दिखा दी जाती है कंडाली बिच्छू घास को कहते हैं जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं और वो जब स्किन पे लगती है तो एक करंट जैसा एहसास होता है या फिर आ, स्किन पे इचिंग इचिंग होने लगती है कंडाली बनाने के लिए सबसे पहले आपको कंडाली यानी कि बिच्छू घास को उबलते हुए पानी में डालना पड़ेगा ताकि इसके कांटे जो है वो दब जाए फिर इसको चावल और उड़द की दाल के साथ खिचड़ी की तरह बनाया जाता है ये खाने में टेस्टी तो होती ही है साथ में बहुत ज्यादा हेल्दी भी होती है वीडियो की की शुरुआत मैंने थी मीठे के साथ और आखिरी जो डिश है वो भी मीठी है उत्तराखंड की फेमस मिठाई चॉकलेट मिठाई या फिर बाल मिठाई चॉकलेट मिठाई और बाल मिठाई में सिर्फ अंतर इतना है कि जब चॉकलेट मिठाई पर शुगर बॉल की कोटिंग होती है तो वो बाल मिठाई बन जाती है ये खोए से बनती है लेकिन बर्फ़ी जैसा बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करती ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है तो आप जब भी उत्तराखंड आएँ तो चॉकलेट मिठाई या फिर बाल मिठाई अपने घर ज़रूर ले जाएँ तो ये थे उत्तराखंड के फेमस फूड जिनका अपना यूनिक फ्लेवर और टेस्ट है जो आपको ट्राई करने ही करने चाहिए अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए मैं आपके साथ इनकी रेसिपी शेयर जरूर करूंगी अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय